हमारे दूसरे लेक्चर में प्रतिघात और अप्रतिघात इसके ऊपर चर्चा न करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। चलत्व हमने देखा, ठीक है, तो चलत्व के बाद में आपको स्लाइड्स पहले खोल देता हूं, फिर आगे जाएंगे हम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे थे और कैरेक्टरिस्टिक्स में अप्रतिघात ये समझने वाली बात नहीं है, तो वो मैंने आपको समझाया, यानी अड़थड़ा नसने मराठी भाषित अनऑब्स्ट्रक्टेबिलिटी फ्री फ्लो इज द साइन ऑफ आकाश महाभूत कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ आकाश महाभूत। इसको असाधारण गुण, चरकोक्त गुण ऐसे भी इसको ऐसे क्यों में पूछा है, आप इसको सभी शब्दों में ध्यान में रखिए। अब और एक बात है, इसका आगे वो श्लोक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये जो गुण है इसके लिए केवल स्पर्शनेन्द्रिय काफी है। मोबिलिटी आप स्पर्श से समझ सकते हो, चलत्व, उष्णत्व आप समझ सकते हो, आप अगर खुद आयनिंग करते हो घर पे तो ध्यान में आया होगा स्त्री का या आयन का चटका जो है बहुत बार आपको महसूस हुआ होगा, या कभी आपने किचन में कोशिश की होगी तो वो स्पर्शनेन्द्रिय से सहज ज्ञात है। द्रवत्व, अगर आंख बंद भी कर ले हम नहीं सूंघे और अगर पानी कहाँ पे है और उसको हमने स्पर्श किया तो स्पर्श से समझ लेते हैं। रफ, ड्राइनेस या खरत्व जो है रफनेस, वो भी हम समझ सकते हैं केवल स्पर्श से। तो ये चरकाचार्य जी की विशेषता है कि केवल स्पर्शनेन्द्रिय एक ही इंद्रिय से, उसको आंखों की आवश्यकता नहीं, उसको यानी चक्षुरेंद्रिय की आवश्यकता नहीं, श्रवणेन्द्रिय की आवश्यकता नहीं है, रसनेन्द्रिय की आवश्यकता नहीं है, घ्राणेन्द्रिय की आवश्यकता नहीं है, केवल स्पर्श से हम, स्पर्शनेन्द्रिय से हम इन पांच गुणों को जान सकते हैं। इसलिए कभी कभी ये पूछा जाता है ऐसे क्यों में, अभी आपको टेबल वाइवा तो नहीं है, नेक्स्ट बैच से वो आएंगे पदार्थ विज्ञान विषय के लिए ऐसी आशा है। तो परफेक्शन ऑफ नॉलेज ज्यादा होता है अगर आपको प्रैक्टिकल या ओरल है तो, वाइवा है तो ठीक है, लेकिन एसक्यू में आपको पूछा जा सकता है कि स्पर्शनेन्द्रिय गोचर गुण महाभूतों के या भूतों के बताइए, तो आपको यही गुण लिखने हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब महाभूत के विशेष गुण या नैसर्गिक गुण जिसे कहते हैं वो शरीर स्थान प्रथम अध्याय में हमें मिलते हैं। महाभूतानि खम वायु अग्नि आपः क्षितिस्तथा शब्दः स्पर्शश्च रूपञ्च रसोगंधश्च तद्गुणाः। तो उस तन्मात्रा से बने हैं तो उसके विशेष गुण वही है, खम यानी आकाश, वायु है, अग्नि आप पता है आप, और क्षिति बाद में फिर आता है। क्षिति यानी अर्थ या आप जिसको पृथ्वी महाभूत हम कहते हैं, वह खम आकाश, वायु तेज या अग्नि, आप या जल, क्षिति यानी पृथ्वी। तो उसके क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उसके विशेष गुण है या इसे नैसर्गिक गुण भी कहते हैं। महाभूतों के असाधारण गुण, अभी जो हमने पिछला लेक्चर समाप्त किया और शुरुआत भी जिसी हमने डिस्कशन से की वही है ये श्लोक, खर, द्रव, चल, उष्णत्व और अप्रतिघा, ठीक है। तो वो क्रमशः किसके गुण है, भू यानी पृथ्वी महाभूत, जल यानी आप महाभूत, अनिल वायु महाभूत, तेज महाभूत और उसको ही अग्नि महाभूत कहते हैं, और आकाश का क्या है तो अप्रतिघात। तो ये विशेष गुण या असाधारण गुण, विशेष गुण नहीं सॉरी, इसको असाधारण गुण कहते हैं या स्पर्शनेन्द्रिय गोचर गुण। विशेष गुण तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। अब देखिए, पृथ्वी का खर या खरत्व यानी रफनेस, जल का या आप महाभूत का द्रवत्व लिक्विडिटी, अनिल या वायु महाभूत का चलत्व,
और चलत्व यानी क्या है मोबिलिटी, और तेज महाभूत का या अग्नि महाभूत का क्या है उष्णत्व हिट। तो ये चरक शारीर स्थान प्रथम अध्याय में है। हमें दूसरे वर्ष में जब चरक संहिता का अध्ययन करना है तो शारीर स्थान हमको दूसरे वर्ष में अध्ययन के लिए है। तो कुछ वस्तुएं वहां पे भी विषय वस्तुएं जो है वो रिपीट होगी, वहां पे डिटेल में हम उसका अभ्यास करेंगे। अब ये तालिका आ गई इकट्ठा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पंचमहाभूत यहाँ पे गणना है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये हमने पहले भी देखा है। उत्पत्ति क्रम और विनाश क्रम, ये जो है वो विनाश क्रम है, और आकाश वायु तेज आप पृथ्वी ये जो है उत्पत्ति क्रम है, ठीक है। तो चरक मत के अनुसार उसको भौतिक गुण भी कहते हैं, असाधारण गुण भी कहते हैं। तो वो कौन से है अभी हमने जाना, खरत्व, रफनेस, द्रवत्व, लिक्विडिटी, उष्णत्व, हीट, हॉटनेस, चलत्व, मोबिलिटी, अप्रतिघात, अनऑब्स्ट्रक्टेबिलिटी, इसको हमने देखा। और भाव प्रकाश जी वो क्रमशः पृथ्वी का गुरु, स्निग्ध, तीक्ष्ण, रूक्ष और लघु गुण बताते। गुरु यानी इसको आप अंग्रेजी भाषा में अगर चाहते हैं ट्रांसलेशन तो हेवीनेस, स्निग्ध इसको अच्छा ट्रांसलेशन एंग्शियस, UNCTOUS ऐसा करते हैं, या फिर सिंपल ऑयलीनेस। तीक्ष्ण तेज महाभूत का गुण क्या बताते हैं बहु भाव प्रकाशकार, भाव प्रकाश संहिता कौन सी है तो लघुत्रयी में से है, वो तीक्ष्ण यानी पेनेट्रेटिंग गुण बताते। वायु का रूक्ष गुण बताते हैं यानी रफनेस यानी खरत्व है, रूक्ष यानी ड्राइनेस। ओके, तो ये दोनों में भिन्नता है, ड्राई और रफ में। और आकाश महाभूत का वो भौतिक गुण बताते हैं लघु यानी लाइटनेस। तो ये भाव प्रकाश जी के मत से पृथ्वी आप तेज वायु आकाश से क्रमशः गुरु, स्निग्ध, तीक्ष्ण, रूक्ष और लघु गुण है। अब आगे ये नैसर्गिक गुण या जिसे विशेष गुण भी कहते हैं, हमने अभी जो श्लोक देखा चरक चारिस्तान पहले अध्याय का, गंध रस स्पर्श सॉरी रूप स्पर्श शब्द या शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आसान है ध्यान में रखने के लिए। ये क्रमशः आकाश वायु तेज आप पृथ्वी का नैसर्गिक गुण या इसे विशेष गुण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नैसर्गिक गुण या विशेष गुण नाम से हमने ध्यान में रखना है। अब आगे है कुछ बातें जो स्पष्ट सिलेबस में पॉइंट उसके नहीं है, लेकिन पिछले सिलेबस में ये बहुत डिटेल से थे, तो उसको हम जानेंगे। उसको आप आयुर्वेद को समझने के लिए वो आपको मालूम होने चाहिए, इसीलिए कुछ विषय जो है वो स्पष्ट अगर सिलेबस में नहीं भी अभी उल्लेखित है तो भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसका पॉइंट का नाम है भूतांतर प्रवेशकृत गुण। जैसे तैतरीय उपनिषद में बताया है कि आकाशाद वायो हो, आकाश की उत्पत्ति किससे होते हैं, परमात्मा से होती है। आकाशाद वायो हो, वायु और अग्नि, अग्निरापाह आपाह क्षितिस तथा, यानी आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप और आप से पृथ्वी, इस प्रकार से गुण होते हैं, वृद्धि होती है। और एक महाभूत का जो विशेष गुण है उसका गुण जो है वो नेक्स्ट में ऐड हो जाता है। जैसे आकाश है, स्पेस यानी क्या है आकाश, श्लोक को समझेंगे। तेषा मेक गुणाः पूर्वो गुण वृद्धि परे परे, पूर्वाः पूर्व गुणश्चैव क्रमशो गुणीषु स्मृताः। तो क्रमशः जो नेक्स्ट महाभूत आया भूत आएगा वो उसके पूर्व का महागुण जो है भूत का उसमें ऐड हो जाएगा। इसको समझेंगे हम आसान भाषा में इस चार्ट से। ये है आकाश, एयर यानी वायु महाभूत या अनिल महाभूत भी उसको कहते हैं, फायर यानी तेज महाभूत या अग्नि महाभूत, वाटर यानी आप महाभूत, और यह है पृथ्वी महाभूत। आकाश सॉरी वायु, तेज, आप और पृथ्वी। तो आकाश महाभूत का अपना गुण क्या है,
शब्द, इसको अगर आपको देवनागरी में या मराठी में लिखना है तो आप लिख सकते हो, और मैं हमेशा आपको सूचना देता हूँ इनफॉर्मल डिस्कशन में, आप एक नोटबुक बनाइए हर एक विषय का और उसमें अपने खुद के नोट्स बनाइए, बहुत आसान होते हैं। स्टडी कैसे करना चाहिए, अध्ययन अध्यापन या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे होती है, उसके लिए एक डीवाई पाटिल आयुर्वेद कॉलेज में मेरा व्याख्यान पिछले 2 महीने पूर्व हुआ था, आप उसमें देख सकते हो, वो आपके रेफरेंस के लिए यूट्यूब पे है। अब वहां पे बहुत अच्छी अच्छी मेथोडोलॉजी आपको समझाई है बच्चे ने या अपने स्टूडेंट ने, स्कॉलर ने, अध्ययन कैसे करना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे होनी चाहिए। तो आकाश का शब्द गुण है, अपने खुद का विशेष गुण हमने देखा अभी पूर्व के हमारे स्लाइड में। आकाश से वायु महाभूत जब बनता है तो ये शब्द गुण प्लस आकाश का अपना, ये आकाश का शब्द गुण यहाँ पे आ गया, मैं डिटो कर देता हूँ, यह वो शब्द गुण और अपना स्पर्श गुण, ये दोनों उसमें आ गए, ठीक है। अब तेज महाभूत जब बनता है तो शब्द गुण, स्पर्श गुण और फिर उसमें तेज का अपना जो रूप गुण है वो उसमें ऐड हो जाता है। जब उससे आगे आप महाभूत या जल महाभूत बनता है तो शब्द, स्पर्श, रूप और फिर आप महाभूत का विशेष गुण या नैसर्गिक गुण जो है रस, वह उसमें ऐड हो जाता है। और फिर पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है, उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और पांचवा जो उसका नैसर्गिक गुण है पृथ्वी का, वो उसमें ऐड हो जाता है। इस पद्धति से पूर्वाह पूर्व गुणश्चैव, यानी पूर्व का गुण जो है उसके साथ अन्य जो गुण है उसका खुद का वो ऐड जो हो जाता है, इसलिए क्रमशो गुणीशु स्मृताः गुण वृद्धि परे परे, नेक्स्ट नेक्स्ट महाभूत में जो है वो गुण वृद्धि हो जाती है, इसीलिए इसको भूतांतर प्रवेशकृत गुण कहते हैं। एक भूत जो है वो अन्य में प्रवेशित हो जाता है, यानी गुण से ही वो प्रवेशित हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पृथ्वी और आप महाभूत जो है वो योनि शब्द का प्रयोग हमने देखा था अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 9वें अध्याय में, तो इसीलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा गुण होने की वजह से पृथ्वी और आप महाभूत इनमें ज्यादा से ज्यादा गुण है, सबसे ज्यादा गुण है अन्य महाभूतों की तुलना में। इसीलिए जहां जहां पृथ्वी और आप महाभूत का संयोग अन्य महाभूतों से होता है उससे षड रसों की उत्पत्ति होती है। हर एक जगह पृथ्वी और आप महाभूत इनमें से कोई एक और दो होगा। और एक बात बता दूं आपको, पृथ्वी और आप महाभूत से कौन सा रस बनता है उनका कॉम्बिनेशन से, अगर किसी को पता है तो बताइए। मधुर रस बनता है षड रस में से, मधुर अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय, ये जो षड रस है उसमें से मधुर बनता है, यानी स्वीट टेस्ट बनती है। और स्वीट टेस्ट ये सबसे श्रेष्ठ टेस्ट बताई है, क्यों, आजन्म सात्म्यात् कुरुते धातु नाम प्रबलम बलम। जब आप नेक्स्ट 9वां 10वां चैप्टर देखोगे अष्टांग हृदय का तो अच्छे समझ में आएगा आपके, यानी स्वीट टेस्ट जो है हमारी माता, हमने दुग्धपान किया हर एक ने, वो स्वीट टेस्ट का होता है, और इसीलिए हमें जन्मतः वो साथ में होता है और उसके सर्वधातु पोषण का गुणधर्म जो इसी में होता है। तो पृथ्वी आप महाभूत में ये सभी गुण होते हैं, इसीलिए उससे बनने वाली मधुर टेस्ट या रस जो है वो सर्वश्रेष्ठ है अन्य रसों में से। चलिए, ये भूतांतर प्रवेशकृत गुण हमने समझा। आगे यही जो चार्ट है अभी हमने जो हाथ से मैंने बनाया वो ये आपके सामने अंग्रेजी में लिखा है। तो आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी, ये जो उत्पत्ति क्रम है उसमें डोमिनेंट खुद के जो गुण है विशेष गुण वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, और एडिशनल जनरल फंक्शंस ड्यू टू द फंडामेंटल कंपोजिशन। ये जो यहाँ पे वायु का खुद का टच यानी स्पर्श है और फिर ऐड हुआ शब्द आकाश का, तेज महाभूत का खुद का रूप है और पूर्व महाभूत के जो शब्द और स्पर्श है वो यहाँ पे ऐड हुए, ठीक है। और ये खुद का उनका रस गुण है,
जल महाभूत का, उसमें ऐड हुए शब्द स्पर्श रूप पहले वाले तीन महाभूतों के गुण, ठीक है। और पृथ्वी का गंध गुण खुद का है, इनहेरेंट गुण है वो खुद का, विशेष गुण है। उसमें भूतांतर प्रवेश कृत अन्य चार जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध वो ऐड हो गए, इसीलिए पृथ्वी महाभूत जो हुआ वो गंध शब्द स्पर्श रूप रस, ये पांचों गुण उसमें होते हैं, ठीक है। अब ये एक मैंने दो तीन लेक्चर पूर्व आपको प्रश्न पूछा था कि कान से हम सुन सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, या स्मेल परसेप्शन होता है, टच परसेप्शन हमें, या स्पर्श ज्ञान जो होता है वो स्पर्शनेन्द्रिय यानी स्किन से होता है, ऐसा ही क्यों होता है? तो इसके लिए समझने के लिए ये तालिका है, इसको आप बिल्कुल, इसको आप क्या करेंगे, हम बार बार इसको आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। तो देखिए पृथ्वी महाभूत जो बनता है वो गंध तन्मात्रा से बनता है, गंध तन्मात्रा, ओके। और वो जो हम वो श्लोक नहीं देख रहे हैं तर्क संग्रह के, कि घ्राणेन्द्रिय यानी नासा यानी नाक जो हमारी है वो अधिष्ठान है, वो ऑर्गन है, और उसमें इंद्रिय जो है वो घ्राणेन्द्रिय वहां पे निवास करता है, और उससे हमें ज्ञात होता है गंध गुण। इसीलिए गंध से वो पृथ्वी महाभूत का विशेष गुण है, घ्राणेन्द्रिय में पृथ्वी महाभूत का आधिक्य होता है, इसीलिए गंध का ही ग्रहण जो है वो घ्राणेन्द्रिय के द्वारा होता है। अब यहाँ पे इंद्रिय अधिष्ठान और ज्ञानेन्द्रिय, इसमें भेद क्या है? ये ऑर्गन है और ये ब्रेन सेंटर में जो उसका, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नाक जो है वो एनाटॉमिकली ठीक होती है लेकिन उस व्यक्ति को स्मेल नहीं आता क्योंकि उसका घ्राणेन्द्रिय में विकृति होती है। इसको समझने के लिए आप ब्रेन सेंटर के जो उसका सूक्ष्म भाग रहेगा उसको समझिए। वैसे ही आप तेज पृथ्वी आकाश, सॉरी आप तेज वायु आकाश, इनको भी समझना है। जैसे स्पर्श तन्मात्रा से आकाश महाभूत बना है, आकाश महाभूत का आधिक्य श्रोत्रेंद्रिय में होता है, और श्रोत्रेंद्रिय कहाँ पे निवास करता है? तो कान में। आप अभी आप बोलोगे कि मैं बोल रहा था वो ब्रेन सेंटर्स में है, अभी श्रोत्रेंद्रिय कान में कैसे है? तो श्रोत्रेंद्रिय में जो है वो जो नर्व्स रहेगी वही नर्व्स का कनेक्शन वो ब्रेन सेंटर में जो श्रोत्रेंद्रिय रहेगा उसमें से रहेगा। इसलिए कभी कभी कान जो है एनाटॉमिकली ठीक दिखता है लेकिन वो व्यक्ति श्रवण ठीक से नहीं कर पाता, शब्द ग्रहण अच्छे से नहीं कर पाता है क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय की विकृति रहती है। आइदर उस नर्व की विकृति रहेगी वो जो कंडक्शन करती है सेंस पर सेंसरी नर्व, या फिर वो ब्रेन सेंटर में उस सेंटर को कुछ जो है वो नुकसान हुआ होगा बाय बर्थ या जन्म के बाद किसी वजह से। तो इसको इंद्रिय तुल्य योनित्व कहते हैं। इंद्रिय कौन सा है? देखिए ये ज्ञानेन्द्रिय है। ऐसे ही आप इसको यहाँ पे कर्मेंद्रिय भी लिख सकते हो, कर्मेंद्रिय भी यहाँ पे एक चार्ट ऐड कर सकते हो आप। कर्मेंद्रिय यानी मोटर ऑर्गन्स, वाक पाद पाणी पायु उपस्थ, ये जो है ये पांच जो है कर्मेंद्रिय है। वाक यानी बोलना स्पीच ऑर्गन, पाद यानी दोनों पाव पाय मराठी भाषा वो पाव, पानी, पानी क्या है hands. Yes, hands. पायु क्या है तो anus, और उपस्थ, उपस्थ क्या है जननेन्द्रिय, ओके तो उसको उपस्थ कहते हैं। तो ये कर्मेंद्रिय है, ठीक है। तो इस पद्धति से इंद्रिय तुल्य योनित्व ये भी, उससे पहले हमने जो देखा क्या देखा, भूतांतर प्रवेश कृत गुण, ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में हमेशा आता है। उसके बाद हमने एक एक महाभूत को समझना है, आशा है, क्योंकि ये ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे हम, इसी लेक्चर में ये पूरा हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका लिंक जो है वो लगना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो पृथ्वी महाभूत, अब हमें
दार्शनिक दृष्टि से पृथ्वी तेज वायु आकाश उनमें सौसिद्धिक नैमित्तिक क्या होता है उससे डायरेक्टली कुछ कंसर्न नहीं होता, वो समझने के लिए हमें उपयुक्त रहता है। लेकिन ये जो आपके सामने अभी प्रस्तुत है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 9वें अध्याय के ये श्लोक है, तो वहां पे पार्थिव द्रव्य आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे है, उसका उपयोग क्या होता है, तो द्रव्य गुण और कर्म। मुझे बहुत अच्छा लगा कल एक आपके ही क्लास में से स्कॉलर या स्टूडेंट है, उन्होंने प्रश्न पूछा और मैंगो यानी आम जो है उसके द्वारा द्रव्य गुण कर्म इनके उन्होंने निश्चिती उन्होंने कुछ बातें बताई, उसमें कुछ मैंने ऐड किया। तो हमेशा ये चिंतन होना चाहिए कि द्रव्य गुण कर्म इसको हम कैसे समझेंगे। तो पार्थिव द्रव्य यानी क्या है आयुर्वेद की दृष्टि से, तो जिसमें गुरु स्थूल स्थिर गंध ये गुण उल्बण रहते हैं, उल्बण यानी अधिक्य से रहते हैं, तो उसको हम पार्थिव द्रव्य कहेंगे या पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य है। और वो कर्म क्या करता है, तो गौरव शरीर में हेवीनेस लाता है, स्थैर्य यानी हमें स्टेबिलिटी लाता है वह, ठीक है, स्थैर्य। संघात यानी क्या है, कॉम्पैक्टनेस यानी जैसे कोई व्यक्ति जो है वो एक्सरसाइज नहीं करता तो उसके मसल्स देखिए, और जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो उसके मसल्स है, तो संघात यानी जो कॉम्पैक्टनेस एक्सरसाइज किए हुए व्यक्ति के मसल्स में होता है वो है संघात। और उपचय यानी नरिशमेंट या पोषण। तो पार्थिव द्रव्य अपने गुरु स्थूल स्थिर गंध इन गुणों से शरीर में गौरव स्थैर्य संघात और उपचय ये कर्म करता है। तो ये है हमारे लिए द्रव्य गुण कर्म। तो इसका उपयोग क्या होगा, मैं सिर्फ पहला आपको पार्थिव द्रव्य ठीक से समझाता हूँ। पार्थिव द्रव्य का उपयोग हमें क्या होगा, तो समझो एकादि व्यक्ति जो है फॉर एग्जाम्पल बहुत ही उसका वजन कम है, बिल्कुल यानी स्किनी पर्सन है और उसका कुछ नरिशमेंट ही नहीं हुआ ऐसे लगता है, जैसे स्केलेटन है और उसके ऊपर स्किन चढ़ा दी है। तो ऐसे व्यक्ति में अगर उसकी पचन शक्ति अच्छी है तो उसे हमें पार्थिव द्रव्य जो है उसको औषध रूप में देना पड़ेगा और उससे उसका वजन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आयुर्वेद की दृष्टि से सामान्य विशेष सिद्धांत के अनुसार हमने पार्थिव आप्य तेजस यानी इन महाभूतों का उपयोग औषध में करना है। तो अभी और एक तरीके से हम इसको समझेंगे, हमारे लिए ये पृथ्वी महाभूत क्या है, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है पंचभूतात्मकम तत्व। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी महाभूत, इसको हमने ये सभी जो चीजें पहले से देखी है, ये सिर्फ चार्ट ऑनलाइन अवेलेबल था वैसे के वैसे मैंने लिया है। तो विशेषतः शरीर में पृथ्वी महाभूत में क्या क्या द्रव्य होते हैं या गुण होते हैं, तो घ्राणेन्द्रिय प्रधान पृथ्वी महाभूत होता है और विशेषतः जो भी सॉलिड टिश्यूज है जैसे बोन है, हेयर्स है या फिर और कुछ कार्टिलेजेस है, शुक्र धातु है, ये सभी जो है वो बने हैं पृथ्वी महाभूत से शरीर में। अब टेस्ट रिस्पॉन्सिबल देखिए, ये प्रीडोमिनेटली इसमें स्वीट टेस्ट है और एस्ट्रिंजेंट यानी मधुर और कषाय रस है, ठीक है। तो पृथ्वी महाभूत जो है, अगर दोषों के बारे में देखें तो कौन सा दोष बना हुआ है इसकी प्रधानता से, कफ दोष, ठीक है, कफ दोष में अधिक्य इसमें पृथ्वी महाभूत का रहता है। अब ये फिर वैशेषिक दर्शन के अनुसार वर्णन जो है ये आपके सामने है। तो पृथ्वी महाभूत के प्रकार कभी कभी पूछे जाते हैं, तो पृथ्वी महाभूत के दो प्रकार होते हैं, कारण रूप और कार्य रूप। कारण रूप जो है वो परमाणु होते हैं, इसको हमने बार बार देखा है, वो नित्य होते हैं, नित्य यानी कल भी थे आज भी है और परसों भी या कल भी रहेंगे, यानी दे आर अविनाशी, तो उसको नित्य कहते हैं जिसका नाश नहीं होता। कार्य रूप जो है, मैंने घड़े का उदाहरण आपको दिया था, मिट्टी के कण से घड़ा बनाया तो घड़ा कार्य है, घड़ा टूट गया फूट गया तो कारण में फिर परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए कारण वही है, कारण से ही कार्य बनता है। तो कार्य जो है वो अनित्य है, अनित्य है यानी वो नष्ट होता ही है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। और ये कार्य रूप पृथ्वी महाभूत है, उसके शरीर इंद्रिय विषय भेदात ऐसे तर्क संग्रह में बताया। तो कार्य रूप पृथ्वी महाभूत के तीन प्रकार होते हैं, शरीर संज्ञक
इंद्रिय संज्ञा और विषय संज्ञा। तो शरीर पृथ्वी महाभूत में जो होता है वो पृथ्वी का योनिज और अयोनिज, यानी जिसमें हम बोलते हैं कि क्या उत्पत्ति का कोई कारण होता है, जैसे मेटिंग होगा और फिर पक्षी अंडे देंगे और फिर उसमें से पंछी या उसके चिक्स निकलेंगे, ठीक है। और वैसे ही जरायुज यानी जिसमें अमनियोटिक ये सैक रहता है उसको जरायु कहते हैं, या प्लेसेंटा रहता है उसको जरायुज कहते हैं, वो मनुष्य इत्यादि प्राणी। तो ये शरीर संज्ञक है। और अयोनिज में इसमें ऐसे कुछ अंडे देते हैं या नर मादा ऐसा कुछ नहीं होता और वो उत्पन्न हो जाते हैं स्वेदज, जैसे लाइस यूका, और उद्भिज यानी वृक्ष। तो इसमें पॉलिनेशन होता है, पता है कुछ संकल्पनाएं या सिद्धांत जो है वो हमें मैच नहीं होंगे आज के ज्ञान से, लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिए शरीर। अब इंद्रिय क्या है, तो घ्राणेन्द्रिय प्रधान है, पृथ्वी महाभूत प्रधान घ्राणेन्द्रिय है। और विषय क्या है, मृत्पाषाण आदि, यानी अगर उसको सजीव के साथ कंपेयर नहीं करेंगे तो निर्जीव अगर सृष्टि में देखे तो पृथ्वी महाभूत कैसे है, मृत यानी मिट्टी, पाषाण यानी क्या है, दगड़ या क्या पत्थर बोलते हैं हिंदी में, इत्यादि यानी कुछ धातुएं रहेंगी, कुछ जेम्स रहेंगे, ये सभी पृथ्वी महाभूत में आएंगे, तो नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस पद्धति से ही 10 मिनट हमारे शेष है, इस पद्धति से ही आप महाभूत हो, तेज महाभूत हो, वायु महाभूत हो, इनके प्रकार बताए हैं वैशेषिक दर्शनकार में, ठीक है। और आकाश महाभूत के तो प्रकार ही नहीं होते क्योंकि उसको कारण और कार्य नहीं है, वह नित्य है, अविनाशी है, तो इसलिए आकाश महाभूत के प्रकार नहीं बताए। तो ये पृथ्वी महाभूत के बारे में समझा हमने, फिर समझते हैं जल महाभूत के बारे में, या आप महाभूत ऐसे भी कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉटर। अब ये फिर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 9 में से श्लोक है। तो आप्य द्रव्य किसे कहते हैं, जिसमें द्रव, शीत, गुरु, स्निग्ध, मंद, सांद्र और रस, ये उल्बण यानी इनकी प्रधानता रहती है, ऐसे द्रव्य को आप्य महाभूत या आप्य कहते हैं। तो ये आहार भी हो सकता है या ये औषध भी हो सकता है आप्य। अगर आप्य द्रव्यों को आप समझो, किसी का डिहाइड्रेशन हुआ है, जल बहुत ही कम हुआ है, उसको उल्टिया या दस्त हुए हैं, मराठी भाषा मध्ये त्याला उल्टी आणि जुलाब झाले, तो इस डिहाइड्रेशन कंडीशन में आपको आप्य द्रव्य देने पड़ेंगे सामान्य सिद्धांत से, समानता जिसकी है, तो वो शरीर में क्या कार्य करेगा, स्नेहन, विच्छंद, क्लेद, प्रह्लाद और बंध। तो स्नेहन यानी क्या है, तो लुब्रिकेशन करेगा, अविच्छंद यानी सिक्रेशन और मॉइस्चर प्रोडक्ट करेगा वो, क्लेद यानी वेटनेस, प्रह्लाद यानी सेटिस्फेक्शन, और बंधकृत यानी कोहेजन, दो जो पेशियां हैं या टिश्यूज है उनको होल्डिंग टुगेदर, ये क्वालिटी आप्य महाभूत की होती है। इसलिए हम मिट्टी में अगर पानी मिला दे तो उससे हम उसका कुछ आकार आकृति बना सकते हैं, उससे हम कौवा बनाएंगे, उससे हम कुत्ता बनाएंगे या उससे हम हाथी बनाएंगे, आप बचपन में अगर खेले होंगे तो, यानी पानी मिलाते हैं तब उसको हम कुछ आकार बनाते हैं, यानी कोहेजन फंक्शन पानी में आप्य द्रव्य में होता है। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। अब ये द्रव क्या है, शीत क्या है, गुरु, स्निग्ध, मंद, सांद्र, इन गुणों को हम डिटेल में जानने वाले हैं, क्योंकि द्रव्य विज्ञान यानी द्रव्य का पदार्थ का अध्ययन करने के बाद हमने गुण पदार्थ का अध्ययन करना है, और उसमें हमने 41 गुण डिटेल में देखने हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं ये। अब ये जो जल महाभूत है वो शरीर में, ये तो गुण तो हमने देखे, वो रसनेन्द्रिय में विशेषता रहता है। शरीर के जो भी बॉडी फ्लूइड्स है, जैसे रस धातु है, रक्त धातु है, ये लिक्विड्स है सभी, इसमें विशेषत्व से जल महाभूत रहता है या आप महाभूत रहता है। और अन्य जो सिक्रेशंस है, जैसे लिम्फ है, सलाइवा है, ठीक है, या पाचक स्राव भी है, उनमें से जल महाभूत रहता है। ये विशेषता मधुर और कषाय और विशेषता अम्ल रस, इनके फॉर्मेशन में जल महाभूत हिस्सा लेता है, ठीक है। और जल महाभूत के ये पुनः नित्य और अनित्य यानी कारण रूप और कार्य रूप, ये दो प्रकार होते हैं, ठीक है।
और कारण रूप के पुनः शरीर इंद्रिय विषय संज्ञक है। अब आपके सिलेबस में ये उतना डिटेल में नहीं है, फिर भी अगर कोई प्रश्न आ गया तो आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद आता है अग्नि महाभूत, तीसरा, या इसको फॉर एग्जाम्पल फायर भी कहेंगे हम। जो जो चमकने वाली चीज है उसमें अग्नि महाभूत या फायर एलिमेंट है, जिसमें अगर आप ये रंग देखते हो, लाल है, नीला है, पीला है, या धातु में, मेटल्स में आप चमक देखते हो, जिसमें भी कलर या रंग है उसमें अग्नि महाभूत है, ये आप समझ लीजिए। तो अग्नि ये द्रव्य, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान नौवां अध्याय, तो वो रूक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, विशद, सूक्ष्म और रूप, ये गुण उसमें प्रधान रहते हैं। और वह कार्य शरीर में क्या करता है, दाह यानी बर्निंग सेंसेशन, भा यानी लस्टर, चमक, मैंने जो अभी ग्लोइंगनेस या चमक जिसे कहते हैं, वो भा यानी लस्टर, वो अग्नेय द्रव्य की वजह से ही, अग्नेय गुण की वजह से ही होता है। वर्ण यानी जो कलर होता है हमारा शरीर का, वो गेहूं कलर होगा या फेयर कलर होगा या निमगोरा जिसे हम मराठी में कहते हैं वो होगा। और शरीर में पचन का कार्य करता है, यानी डाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, कभी कभी वो जो है वो पेशियों को सड़ाता भी है अगर कोई इन्फेक्शन है तो पिट्रिफिकेशन। सो दीज आर द कर्म ऑफ अग्नेय द्रव्य, ओके, एंड दीज आर द गुण। आगे जाएंगे और यही शरीर में तेज महाभूत क्या करता है, आंखों में विशेषता है और रक्त धातु है, जो भी जहां भी अग्नि महा अग्नि जो है पचन शक्ति, जाठर अग्नि, भूताग्नि, धातु अग्नि उसमें विद्यमान है। उसके फिर कारण और कार्य, ये दो प्रकार तेज महाभूत के होते हैं। फिर अनित्य में या कार्य रूप में शरीर इंद्रिय विषय संज्ञक, और वहां पे जो विशेषतः शरीर है वो आदित्य लोक में होता है। तो ये कभी आप डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन आंसर में तो इसको और ज्यादा अच्छा समझाएंगे। और विषय संज्ञक यानी नॉन लिविंग थिंग्स में वह कहाँ होता है, देखिए, भौम यानी अग्नि जैसे फायर, दिव्य यानी जैसे थंडरबोल्ट, वीज मराठी भाषा मध्ये म्हणजे थंडरबोल्ट, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, औदर्य यानी जो जठर में अपने उदर में रहता है वो पचन शक्ति, आकरज जो मैं बताया कि सोना जो है वो चमकता है, चांदी चमकती है, तो ये उसमें जो लस्टर होता है या चमक होती है वो है आकरज, कार्य रूप तेज महाभूत। अब वायु महाभूत, या जिसे हम एयर के रूप में भी समझ सकते हैं, अन्य सभी गैसेस एक्चुअली इसमें आएंगे, तो एयर उसमें से एक है, स्वरूप उसका वायु महाभूत का। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान नवे अध्याय में वायव्य द्रव्य हमें बताते हैं वो रूक्ष, विशद, लघु, स्पर्श गुणों से ओतप्रोत भरा हुआ होता है। और वो कार्य क्या करता है, शरीर में रुक्षता पैदा करता है, लागत्व यानी वजन कम करता है, शरीर को हल्का करता है, वैशद्य। अब ये विशद गुण जो है ये क्या है, नॉन स्लाइमी या नॉन स्टिकी, बिल्कुल क्लियर। जैसे अब आपके जो लेडी स्टूडेंट्स है, गर्ल स्टूडेंट्स, वो बहुत अच्छे से समझेंगे, कोई कढ़ाई है जिसमें अभी हमने कुछ फ्राई किया है, जिसको तला है, और उसमें से तेल निकाल दे, और उसको अगर क्लीन करना है हमने, तो समझे आपने कोई डिटर्जेंट या बर्तन का बार इस्तेमाल किया, साबुन, और उससे उसको हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया, दो बार उसको करके अच्छे से वो बार लगा के या सोप लगा के वो धोने का, तो फिर वो जो कढ़ाई जो है वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी, उसे विशद कहते हैं। तो वो बार में या वो साबुन में वैशद्य गुण था, इसलिए उसको क्लीन किया उसने, ये है क्लियरनेस प्रॉपर्टी। विचार ग्लानिकारकम, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसका कर्म है विचार और ग्लानि। अब ग्लानि क्या है, तो ये ग्लानि यानी आप करेंगे थोड़ी अनकॉन्शियस जैसी स्टेज, जब वायु महाभूत बढ़ता है तो वो आ सकती है। वायु महाभूत के पुनः दो प्रकार है, नित्य और अनित्य। अनित्य के कार्य रूप के पुनः शरीर इंद्रिय विषय संज्ञक है। शरीर जो है वो वायु लोक, जिसमें वायु प्रधान है, हम पृथ्वी लोक में रहते हैं इसलिए हमारा शरीर पार्थिव है, देख सकते हैं हम एक दूसरे को, पृथ्वी लोक में हम रहते हैं मनुष्य,
इंद्रिय जो है वायु महाभूत त्वचा इंद्रिय या स्पर्शन इंद्रिय में अधिकता से रहता है, और विषय क्या है तो बाह्य है वृक्षादि कंपन हेतु, जैसे हवा जोर से बढ़ती है कभी कभी इतनी हवा तेज चलती है कि वो वृक्ष या पौधों को या वो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनको बहुत कंपन निर्माण करती है, उखाड़ भी सकती है। अभ्यंतर क्या है तो वायु महाभूत प्राण व्यान उदान समान अपान, इसमें वात दोष के ये पांच जो प्रकार है उसके रूप में शरीर में विद्यमान है, और बाह्य शरीर में क्या है ये वृक्ष इत्यादि का कंपन करता है। तो ये वायु महाभूत है। लास्ट में आकाश महाभूत स्पेस, तो ये नाभसम सूक्ष्म विशद लघु शब्द गुणोल्बरम सौशीर्य लाघव करम, ये उसके कर्म हो गए। ठीक है, तो विशेषतः ये जो हमें उनके अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के नवा अध्याय है उसके लिए हमें आकाश महाभूत या ये महाभूत हम सभी सीख रहे हैं। तो उसके अयोनिज शरीर योनिज शरीर ये समझने के लिए टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट उसके लिए हमें महत्वपूर्ण है। उसका जो उपयोग हम करेंगे तो आकाश महाभूत प्रधान वनस्पति कौन सी है, औषध कौन सा है, आहार कौन सा है, यह हमें महत्वपूर्ण है चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य रक्षण के लिए। तो नाभस द्रव्य यानी आकाश महाभूत के शरीर में जो है उसके गुण क्या है, सूक्ष्म विशद लघु शब्द।